तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे साल्ट्स के बारे में। कौन कौन से साल्ट्स के बारे में जानने वाले हैं? तो सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन साल्ट होता है, घर में जो यूज होता है टेबल साल्ट, उसके बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद NaOH ठीक है, कास्टिक सोडा जो कि होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, साथ साथ इसके यूज के बारे में जानेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसका क्या क्या यूजेस होता है। तो ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं इन तीनों साल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कॉमन साल्ट ठीक है, या सोडियम क्लोराइड ठीक है। कॉमन साल्ट जो हमारे घर में उपयोग होता है उसको हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ठीक है, NaOH और HCl का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो हमें ये NaCl प्राप्त होगा, NaCl+H2O ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसका केमिकल फॉर्मूला या कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, जिसमें दो एलिमेंट होते हैं सोडियम एंड क्लोरीन ठीक है। NaCl इसका फॉर्मूला होता है। कहाँ से ऑप्टेन करते हैं इसको हम लोग? इसको अगर कमर्शियली ऑप्टेन करना है, डेली यूज के ऑप्टेन करना है, तो इसको हम लोग सी वाटर को एक जगह इकट्ठा करके इसको इवेपोरेशन करेंगे तो हमें NaCl मिल जाएगा। सी वाटर में NaCl प्रचुर मात्रा में होती है, उसको हम लोग इवेपोरेट करने पे हमें साल्ट प्राप्त हो जाएगा। ओके अच्छा, ये जो साल्ट हमें प्राप्त होगा इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अदर साल्ट यूज होता है, तो उसको फिर रिफाइन किया जाता है, उसके बाद हम लोग डेली लाइफ में इसको उपयोग कर सकते हैं। कुछ साल्ट होता है जिसको आप समझते हैं आयोडाइज साल्ट जिसको नाम दिया जाता है, उसमें अलग से आयोडीन ऐड किया जाता है जो कि हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा होता है ठीक है। अब सिर्फ जो डिपॉजिट सनलाइट से उसको सुखा के, सी वाटर को सुखा के अगर हम लोग बनाते हैं तो वो हमारा NaCl तो बनता है, लेकिन सिर्फ वही तरीका नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो ओल्ड सी होते हैं, कहीं पे ओल्ड सी था वो सूख गया ठीक है, वो पूरी तरह से ड्राई अप हो गया, तो उसका जो तली होता है, उसका जो बेस होता है, वहां पे पूरा से साल्ट डिपॉजिट होता है ठीक है। इसको साल्ट लेक भी कहते हैं, ड्राई साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है, यूएसए में काफी ज्यादा मात्रा में ये चीज पाया जाता है ठीक है। तो वहां पे जो डिपॉजिट हो जाता है उसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। उसके लाल लाल लंप बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं, तो वो जो लार्ज क्रिस्टल जो बन जाता है वो हल्का स्लाइटली ब्राउनिश टाइप का, हल्का रेडिश ब्राउनिश टाइप का ही रहेगा क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज होते हैं, मड हो जाते हैं, कुछ मड मिल गए या फिर कुछ अदर चीजें मिल गई, दूसरे साल्ट मिल गए, जिसके कारण हल्का सा जिसका जो कलर होता है NaCl का कलर होता है प्योर व्हाइट होता है ठीक है, लेकिन इसमें अगर कुछ इम्प्यूरिटीज मिल गया उसके अंदर हल्का ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, इसको रॉक साल्ट भी हम लोग कहते हैं, जो कि ओल्ड सी के डिपॉजिट होने के, मतलब ओल्ड सी अगर कहीं है वो सूख गया तो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। ये तो हो गया कमर्शियल पर्पज। उसके बाद इसको रॉक को काट के लाया जाता है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, फिर पैकेट्स में बना के हमारे घर में तक आता है ये चीज, उसके बाद उसको हम लोग यूज करते हैं। उसका इसको हम लोग को लैब में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वही अपना जो फॉर्मूला है NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला के हमें NaCl प्राप्त हो जाएगा ठीक है। तो ये से हमें प्योर NaCl प्राप्त होगा। ओके, क्या हम लोग इसको खा सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है कि NaOH की मात्रा कुछ रह जाए या HCl की मात्रा रह जाए या फिर कोई और इम्प्यूरिटीज आ जाए, तो इसके कारण हम लोग इसको खा नहीं सकते ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम लोग लैब में इस्तेमाल कर सकते? हाँ, लैब में बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी इसका उपयोग होता है और आगे भी बहुत सारा इसका भी उपयोग आने वाला है। आगे जो हम लोग साल्ट जो बनाएंगे कास्टिक सोडा, उसमें NaCl का ही उपयोग होता है ठीक है। NaCl से ही आगे जाके कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होगा ठीक है, और भी जितने साल्ट है उसमें NaCl का ही हेल्प लगता है, तो लैब में काफी इसका उपयोग है। अच्छा, तो लैब में जब हम लोग NaCl बना सकते हैं, उसको रिफाइन करके खा सकते हैं। ओके, तो हम लोग लैब में ही क्यों बना लेते हैं, क्यों नहीं बना लेते हैं हम लोग सी वाटर से ही क्यों साल्ट, कॉमन साल्ट निकालते हैं? तो इसका रीजन होता है कि लैब में जो बनाया हुआ NaCl होता है वो काफी महंगा पड़ जाता है। आपको थोड़ा सा जरूरत है, 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम इस तरह का जरूरत है, इतना तो आप लैब में आराम से बना सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्योर के लिए, लेकिन आप खाने का उपयोग करना चाहते हो, किलो के भाव, टन के भाव में आपको नमक बनाना है, तो लैब प्रोसीड्योर से नहीं बनेगा, वो काफी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग यूज करते हैं ठीक है। तो लैब में कैसे बनाया जाता है? तो NaOH और HCl से, ये फॉर्मूला, ये जो रिएक्शन है वो मैंने लिख दिया, NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करने पे सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूज एज टेबल साल्ट हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। दूसरा क्या यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा कास्टिक सोडा होता है उसको बनाने में उपयोग होता है, बेकिंग सोडा के बनाने में उपयोग होता है,
वाशिंग सोडा के बनाने में उपयोग होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है, साथ साथ और भी सारे केमिकल हैं, जैसे कि क्लोरीन का प्रोडक्शन करना, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, तो वो सब में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कॉमन साल्ट का, ठीक है, NaCl का उपयोग होता है। तो यहाँ पे NaCl हम लोग समझ में आ गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कास्टिक सोडा का, या फिर इसको केमिकल केमिकल इसका जो फॉर्मूला हो जाता है NaOH, और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। काफी बार आप लोग सुन चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, काफी ज्यादा उपयोग होता है, इसको जो यूज है कास्टिक सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कॉमन नेम हो गया कास्टिक सोडा और इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, it decomposes into sodium hydroxide and two byproducts are formed, hydrogen and chlorine. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, बताता हूँ अभी डिटेल। अब इसको बनाते कैसे, NaOH है हमारे पास, सॉरी NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर में डाल के इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये हमारा NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में ये निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करके H2O के साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के में टूट जाता है और यहाँ पे हमें NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्लोर हो गया, क्लोरीन से आ गया, क्लोरीन मिल रहा है, और अल्कली प्रोसेस यहाँ पे अल्कली Na सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अल्कलाइन है, फर्स्ट ग्रुप का है, अल्कलाई ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसलिए सोडियम क्लोरीन अल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसी के नाम से ये पड़ा। ओके, अब यहाँ पे दो तीन टर्म है उसको क्लियर करता हूं मैं। ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, अगर NaCl को सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट को अगर हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में 20% से ज्यादा अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर वाटर में जो होता है उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, NaCl इन वाटर। ठीक है, इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब NaCl को वाटर में डिजोल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 एंड क्लोरीन फॉर्म होता है, इससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका कंसेंट्रेशन 20% से अधिक होना चाहिए, 20% से अधिक सोडियम क्लोराइड होना चाहिए वाटर में, ब्राइन सॉल्यूशन में जो कंटेंट है वो 20% से अधिक होना चाहिए, अगर तभी यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड NaOH का फॉर्मेशन होगा। अगर 20% से कम कर देंगे तो क्या होगा, क्लोरीन के जगह पे ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। ठीक है, बस यही अंतर होगा, NaOH तो फिर भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 20% से अधिक है तो क्लोरीन गैस फॉर्म होगा, 20% से अधिक कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस को यहाँ पे देख लेते हैं पूरा डायग्राम के साथ। ये एक आपके सामने ये जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरा एक बड़ा सा टैंक है। ठीक है, इसमें बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है। ठीक है, जो कि इस पूरे सॉल्यूशन को दो भाग में बांट रहा है, लेकिन आयन इससे एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने बताया NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और उसको उसको जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें तो जो ब्लूइश टाइप का दिख रहा है ये NaCl प्लस वाटर है। ठीक है, ऑब्वियस बात है 20% से अधिक कंसंट्रेशन इसमें है। ठीक है, NaCl का। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको एनोड कहते हैं, जो निगेटिव होता है उसको कैथोड कहते हैं। जो एनोड होगा वहां से हमारा क्लोरीन गैस निकलेगा जो कि हम लोग अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, और जो यहाँ पे जो हमारा कैथोड होगा वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा जिसको हम लोग अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें NaOH का फॉर्मेशन होगा और ये इसी में डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, वे वाटर में ही डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, अब जब पूरा रिएक्शन जब पूरा हो जाएगा, सारे सारे NaCl खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तब इस सॉल्यूशन को निकाल लिया जाएगा, उसको वापस से वाटर को इवेपोरेट किया जाएगा, NaOH हमें प्राप्त हो जाएगा जिसको हम लोग कास्टिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली का जैसे मैंने बताया क्लोर हो गया क्लोरीन से, अल्कली हो गया कि अल्कली प्रोसेस से आ रहा है। ठीक है, अल्कलाई ग्रुप है NaOH, Na सोडियम, तो उसके अल्कली वहां से नाम आ रहा है।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब आप देखो कि यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन रहा है, NaOH बन रहा है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बन रहा है, उसके साथ साथ क्लोरीन भी बन रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो यूजेज ऑफ NaOH। अब NaOH जो कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका क्या क्या यूज है? डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। अगर कहीं कहीं मेटल्स में कहीं पुराना मेटल्स उसका रिपेयरिंग हो रहा है, वहां पे ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है, तो NaOH कास्टिक सोडा का उपयोग करके उस ग्रीस को हटाया जाता है, ठीक है, तो डीग्रीसिंग ऑफ मेटल होता है। सोप एंड डिटर्जेंट में उपयोग होता है, तो सोप बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, तो इसके कारण ये बेसिक भी हो जाता है थोड़ा सा, और ये इसका उपयोग भी होता है। उसके बाद बात करते हैं पेपर मेकिंग में, तो पेपर जब मेकिंग होता है तो उसमें भी कास्टिक सोडा का एक तरह से ब्लीचिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर जो आपके जिसके आपके कपड़े बनते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सारे यूजेस हैं, इसको आप रट लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल में से ग्रीस हटाना तो यूज करेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो दो बाई प्रोडक्ट निकले थे। बाई प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा कि जैसे कि NaOH ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो हमें कास्टिक सोडा मिला, NaOH मिला, लेकिन इसके साथ साथ दो यूजफुल प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट करते हैं, कि हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था लेकिन दो प्रोडक्ट और भी फ्री में मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसका भी उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो बाई प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, इसका भी यूज समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल में यूज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेनेस जो बन रही है उसमें भी उपयोग हो रहा है, और एज ए रॉकेट फ्यूल में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। एक और यूज आप हाइड्रोजन का कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इसके साथ फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl के फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन करने में NH3, यहाँ में अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3, इसका कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन यहाँ पे और NH3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3 यहाँ पे, ठीक है, 3H2, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन करके क्या करेंगे, यूरिया बनता है। इसी प्रोसेस से अमोनिया से फिर आगे प्रोसेस करके इसको हम लोग यूरिया का फॉर्मेशन, तो फर्टिलाइजर बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। तो अमोनिया कहाँ से बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा, और HCl का फॉर्मेशन में, और एज ए फ्यूल में उपयोग होगा। इसके अलावा कोई और यूज होता है तो आप बताओ कमेंट में। उसके बाद यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या यूज है, एज ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको उपयोग करता है, क्योंकि ये कीड़ों को मार देता है, उसमें से जो फंगस बैक्टीरिया जो होता है उसको मार देता है। पीवीसी पाइप जो हमारा जो घर में यूज होता है वेस्ट पाइप को निकालने के लिए, जो जो पाइप होता है 4 इंच का 5 इंच का जो पीवीसी पाइप लगता है, उसको पीवीसी बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है, ठीक, उस मटेरियल को बनाने में डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, जहां पे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारा रेफ्रिजरेशन का जो गैस होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर में जो गैस भरी जाती है वो सीएफसी होता है, तो उसको बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। साथ साथ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड होता है जो जो कि पेड़ों पे जो कीड़े लग जाते हैं, फसलों पे जो कीड़े लग जाते हैं उसको मारने के लिए जो उपयोग होता है, तो उसको भी हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं, उसका भी क्लोरीन से ही उसको बनाया जाता है, पेस्टिसाइड्स को क्लोरीन से। अब हम लोग बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग नाम सुने ही होंगे, अक्सर आप लोग देखे होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ब्लीचिंग पाउडर को रोड के किनारे छिड़कते रहते हैं, जब डेंगू फैलता है जो और भी चिकनगुनिया फैलता है, या मच्छर का जब फैलते हैं तो जहां वहां पे गंदगी रहती है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव किया जाता है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों इसका छिड़काव किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से तो आप लोग रूबरू हैं, ब्लीचिंग का मतलब ही होता है रंग उड़ाना, ठीक है, तो अभी सब कुछ आने वाला है, तो पहले समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो CA कैल्शियम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सी और क्लोराइड का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड रहता, कैल्शियम अगर क्लोराइड होता CaCl2 होता, ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2, और केमिकल नेम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमनली यूज उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो क्लोरीन गैस को अगर ड्राई सेल्ट लाइन पे अगर हम लोग पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ड्राई फॉर्म में होना चाहिए,
उस पे अगर हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 हमें प्राप्त होगा। कैसे? इस रिएक्शन से, आप मदद से आप समझ सकते हो, कैल्सियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, बस कंडीशन ही होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्लोरीन भी ड्राई होना चाहिए, तो कैल्सियम हाइड्रोक्साइड और स्टीम के फॉर्म में वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग, इस प्रोसेस से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कि रंग उड़ाना। ठीक है, तो कॉटन में जो गंदगी होती है, कॉटन का जो प्योर, अगर कॉटन का बात करूं तो स्लाइटली येलो इस टाइप का होता है, उसको हम जब रियल में कॉटन अगर हम लोग देखते हैं तो वो प्योर व्हाइट कलर का होता है। कैसे व्हाइट हो गया? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके उसको रंग उड़ाया जाता है, उसको व्हाइट किया जाता है। लाइनन, ये भी एक कपड़े क्वालिटी होता है, इसको भी व्हाइटनेस इसी से किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, अब जब देखो कि पेड़ पौधे, पेड़ों से बनते हैं हमारे पेपर, तो पेड़ का कलर तो हल्का येलो इस ब्राउनिश टाइप का होता है, लेकिन पेपर तो एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है, कैसे हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करता है, उसका रंग उड़ा देता है। काम ही यही है, ब्लीचिंग पाउडर का से तो वाटर में अगर डालता है तो क्लोरीन गैस का रिलीज होगा और वो क्लोरीन गैस ब्लीच कर देगा, मतलब कि रंग को उड़ा देता है। ठीक है, रंग को व्हाइट कर देता है, तो पेपर फैक्ट्री में इसीलिए यूज होता है, कॉटन में भी, लाइनर में भी, सेम रीजन के कारण इसको उपयोग किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी काफी यूज किया जाता है सपड़े को व्हाइट करने के लिए। ठीक है, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम जर्म्स मतलब कि जर्म्स को हटाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और ये काफी हद तक जर्म्स को मारने में कारगर होता है। जैसे कि कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, इसके साथ अगर हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है, या एटमोसफेयर से ये वाटर ले ले, या फिर वाटर में इसको हम लोग मिलाते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में जैसे इसको हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पे कैल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस ये क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। यहाँ से ये जो क्लोरीन गैस है ये सारे जर्म्स को मार देता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं तो जो गंदगी जगह होती है, नाली वाला जगह जो होता है, वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं, क्योंकि वो क्लोरीन गैस को रिलीज करे और वहां पे जर्म्स जो बैक्टीरिया है उनको वो मारे। कभी आप देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर जहां पे छिड़का जाता है पूरा क्लोरीन गैस जैसा महकने लगता है, वो क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर से ही प्रोड्यूस होता है, या तो वहां के आसपास के मिट्टियों से वो वाटर ले लेता है, या एटमोसफेयर से जो हवा में जो वाटर है उससे वाटर ले लेता है, ये वहां से वाटर लेके ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, जर्म्स को मारने में उपयोग होता है, और यही जो वाटर का, जो वाटर में डाले ब्लीचिंग पाउडर को, जो क्लोरीन गैस निकला, इसी क्लोरीन गैस से ही ब्लीचिंग भी होता है। ठीक है, अगर आप कोई कलर्ड क्लॉथ के ऊपर आप थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर लगा दो, देखो आप तुरंत उसका रंग उड़ा देगा, ठीक है, वो व्हाइट कर देता है। तो सेम रीजन का वुड पल्प इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी उसका उपयोग होता है पेपर को व्हाइट करने के लिए, वही सेम रीजन है कॉटन इंडस्ट्री में भी होता है कपड़े को व्हाइट करने के लिए, लॉन्ड्रीज में भी उपयोग किया जाता है, तो सबका सेम रीजन होता है। तो फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूजेज हम लोग देख लिए। इसके बाद वाला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट में आएगा, इसके बाद जो भी हम लोग को शॉर्ट पढ़ना है इस वाले पार्ट में, इस वाले जो चैप्टर में, तो वो सब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।